हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन। तो आज हम बात करेंगे ड्रोन्स के बारे में कि क्यों इतनी देर लग रही है DJI के नए ड्रोन के बारे में। स्पार्क की बात हो रही थी, नया स्पार्क 2 आएगा, मैविक एयर 2 आएगा, काफ़ी लीक्स आए, काफ़ी वीडियोस आए, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर। अगर आप नए चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। एंड ड्रोन के साथ टेक वर्ड भी है, तो टेक से रिलेटेड भी हम सारी चीज़ें, जैसे मोबाइल्स, कैमरा जो मैं यूज़ करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है इसलिए कि काफ़ी लोगों को उत्सुकता थी कि DJI Mavic Air 2 रिलीज़ होगा। मैंने भी वीडियोज़ डाले हैं काफ़ी वर्ल्ड ओवर, जितने भी ड्रोन चैनल्स हैं उस पर ये वीडियोज़ रिलीज़ हुए कि Mavic Air 2 या Spark 2 का ज़्यादा चांस हो गया था, पर स्टिल अभी तक कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं आई है, कोई मॉडल रिलीज़ नहीं हुआ ड्रोन को लेके। तो कारण उसका आज मैं बताने वाला हूँ, जो रिसर्च मैंने की और जो मुझे पता लगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हो क्या रहा है कि चाइना और अमेरिका में, जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी वॉर, मतलब बिजनेस वॉर चल रहा है। वो इवन काफ़ी बड़ी कंपनी एप्पल जैसी कंपनी कि जो मैन्युफैक्चर वहाँ पर फ़ोन्स होते थे, वो भी इवन अब लग रहा है कि शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि कुछ टैक्सेस और कुछ ऐसी चीज़ें, बिजनेस वॉर, मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी कमी हो गई, और बिज़नेस के चक्कर में टैक्सेस अमेरिका बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से चाइना को बिज़नेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, अमेरिका अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है। तो इन पॉलिटिकल मुद्दों में मैं नहीं घुसूंगा, और हर एक का अपना अपना पक्ष है। द मेन थिंग इज़ उनके बीच में जो रिलेशंस थे वो ख़राब हो रहे हैं, तो उन रिलेशंस के ख़राब होने की वजह से जो DJI कंपनी, बेसिकली सबको अगर मालूम नहीं है तो एक बार बता देता हूँ, वो चाइना उनका मेन चाइनीज़ कंपनी है, चाइना ही उनका हेड ऑफिस है, वहीं से ड्रोन सारे मैन्युफैक्चर होके वर्ल्ड ओवर जाते हैं। और आपको एक और फैक्ट बताऊँ कि चाइना से बनने वाले इस ड्रोन की, मतलब इतनी खासियत है क्योंकि ये ड्रोन मार्केट का लीडर है DJI। इसके आगे कई अमेरिका कंपनीज़ ने कंपटीशन दिया और ड्रोन बनाए, लेकिन जो DJI ने बिज़नेस किया वो कोई अमेरिकन या दूसरी कंपनी नहीं कर पाई ड्रोन्स के मामले में, कंज्यूमर ड्रोन्स के मामले में बात कर रहा हूँ, इवन प्रोफेशनल ड्रोन्स के मामले में बात करें, हर एक एरिया ऑफ ड्रोन्स में जो DJI है, इट इज़ द बेस्ट। तो हो क्या रहा है कि चाइना अब रिलीज़ करता है अपने मैक्सिमम पर, DJI का बादशाह क्रिएटर चाइना में है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा बायर्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है? यस, आपने सही गेस लगाया, अमेरिका में, USA फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत लोचा हो रहा है, यू नो, बिंदास बात करेंगे बिल्कुल, कि जो गवर्नमेंट है वो बीच में हट रही है, पीछे ढंग से रूल्स बना दिए हैं, लीगल कर दिया है, लेकिन ढंग से लीगल नहीं हुआ, बंदे लेना चाहते हैं परमिशन के लिए इतने जुगाड़ करते हैं, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम है इंडिया में फ़िलहाल ड्रोन्स को लेकर, लेकिन अमेरिका में रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रोन परचेज के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं DJI से। तो मैक्सिमम जो बायर्स थे DJI के ड्रोन्स के, वो अमेरिका में थे। तो अब ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है, वो लग रहा है कि शायद DJI के ड्रोन्स जैसे पहले बिकते थे, अब अमेरिका में उनको उस तरह से बिज़नेस वो ना कर पाए, क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं, उनका मुनाफे में कमी होगी, मतलब काफ़ी बिज़नेस की जो स्ट्रेटजीज हैं वो अब इन वॉर्स, ट्रेड वॉर्स की वजह से DJI की भी लॉस में हो सकती हैं, मतलब लॉस में ना हो तो कम मुनाफा होगा उनको। तो जो भी है, जो पहले बात थी वो बात अब नहीं रही है, इस चक्कर में ये इफेक्ट पड़ रहा है कि DJI नया ड्रोन रिलीज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि जो मैक्स, जो सबसे बड़ा लीडर है, उसके बायर है अमेरिकन्स, वो उसका अगर ड्रोन नहीं लेंगे तो उनका, मतलब प्रॉब्लम आ सकती है उनके नए मॉडल पे। तो मे बी दे आर वेटिंग कि सही टाइम जब आएगा तब हम लॉन्च करेंगे, और अवेटेड ड्रोन्स यही थे कि Mavic 2 या फिर Spark 2 की उम्मीद थी। तो फिलहाल उम्मीद बनाए रखें, हमने भी उम्मीद बनाई है, कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकलता है, काम कभी नहीं रुकते हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके बिजनेस चलता है। तो आई होप सो कि जो DJI कंपनी है काफ़ी बड़ी लीडर है इन DJI ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सलूशन वो निकाल के ज़रूर रिलीज़ करेगी, क्योंकि आप जैसे, हम जैसे काफ़ी जो फैंस हैं ड्रोन्स के, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो DJI ड्रोन्स और एनी अदर ड्रोन्स रिलेटेड, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एंड और भी आप अगर कोई टेक गैजेट के बारे में जानना चाहते हैं और अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपना कमेंट ज़रूर लिखें और शेयर करें, इससे थोड़ा रीच बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।